हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 12th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 3, जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग रेशियो का सॉल्यूशन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन में हमें बताना है स्टेट गिविंग रीजन वेदर द करंट रेशियो विल इम्प्रूव और डिक्लाइन और विल हैव नो इफेक्ट इन ईच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन इफ करंट रेशियो इज 2:1। देखिए यहाँ पे आपको रीजन बताना है कि चार आपको कुछ सिनेरियो गिवन है जिसके बेसिस आपको ये बताना है क्या इससे करंट रेशियो इम्प्रूव होगी कि डिक्लाइन होगी। आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे आइए समझते हैं। यहाँ पे आपको करंट रेशियो जो अभी के लिए गिवन है वो 2:1 है। अगर 2:1 से हमारी इम्प्रूव होती है तो हम उसको बताएंगे कि वो इम्प्रूव हुई है। किस तरीके से पता चलेगा कि इम्प्रूव हुई है कि वो डिक्लाइन हुई है, तो यहाँ पे देखिए 2:1 है तो यहाँ पे पता चल रहा है क्योंकि करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे करंट एसेट ज्यादा है करंट लाइबिलिटी से, मतलब उसके एक तरीके से डबल ही है। अब आपको किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है आइए समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको एज्यूम करना होगा कि करंट एसेट हमारे पास 2 लाख रुपीज के है, करंट लायबिलिटी हमारे पास 1 लाख रुपीज की है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2:1 आएगा, जैसा कि हमें क्वेश्चन में बता रखा है। अब पहला केस है कैश पेड टू ट्रेड पेबल। अब हमने कैश दिया है ट्रेड पेबल को 50,000 रुपीज का, हमने यहाँ पे माना है कि 50,000 रुपीज का हमने कैश पे किया है ट्रेड पेबल को। अब जब हमने कैश पे किया 50,000 का तो एसेट भी कम हो जाएंगे हमारी, लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। जब एसेट कम हो जाएंगे तो एसेट कितने कम हो जाएंगे, 50,000 तो 1,50,000 के एसेट होंगे और डिवाइड कर दीजिए 50,000 तो 50,000 की लायबिलिटी होगी। ये डिवाइड करके 3:1 आएगा। इसका मतलब है कि हमारी तो करंट रेशियो पहले केस के अकॉर्डिंग क्या हो गई है, इंप्रूव हो गई है। सिमिलरली आपको सेकंड केस में करना है, बिल्स पेबल डिस्चार्ज है 50,000 रुपीज के। अब बिल्स पेबल डिस्चार्ज है 50,000 के, मतलब यहाँ पे करना क्या आपको करंट रेशियो यहाँ पे, क्योंकि बिल्स पेबल बिल पे किया गया है तो यहाँ पे जब बिल पे किया गया है तो फिर से करंट एसेट कम हो जाएंगे और करंट लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी 50,000 से। तो करंट एसेट होंगे 1,50,000 के, करंट लाइबिलिटी 50,000 की होगी, डिवाइड करके 3:1 आएगा। इसका मतलब सेकंड केस में भी हमारी करंट रेशियो क्या हुई है, इंप्रूव हुई है। अब करते हैं थर्ड केस, यहाँ पे है बिल रिसीवेबल इंडोर्स टू अ क्रेडिटर। तो यहाँ पे जो बिल रिसीवेबल है ना वो इंडोर्स किया गया है क्रेडिटर को। अब यहाँ पे होगा क्या इसको समझते हैं। अब बिल्स पेबल एंडोर्स टू अ क्रेडिटर मतलब है कि जो बिल्स पेबल है बिल्स रिसीवेबल रिसीवेबल एंडोर्स टू अ क्रेडिटर का मतलब है कि बिल तो हमें रिसीव हुआ था, बिल क्या हुआ था हमें रिसीव हुआ था, अब उसे एंडोर्स कर दिया गया है क्रेडिटर को। अब जब उसको क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिया गया है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या हुआ, एसेट कम हो गया, लाइबिलिटी भी कम हो गई। यहाँ पे भी 50,000 के अमाउंट को लेकर चलना है आपको, तो यहाँ पे जो अमाउंट होगा 50,000 रुपीज का कम हो जाएगा करंट एसेट में से भी और करंट लाइबिलिटी में से भी। तो यहाँ पे भी करंट रेशियो हमारी क्या होगी, इंप्रूव होगी, क्योंकि 3:1 आएगा। अब करते हैं फोर्थ केस। फोर्थ केस में पेमेंट ऑफ डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। तो यहाँ पे जो है पेमेंट की गई है फाइनल डिविडेंड की 50,000 रुपीज की, तो यहाँ पे भी हमारे करंट एसेट कम हो जाएगी 50,000 से और करंट लाइबिलिटी भी 50,000 से कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास फिर से जो आएगा करंट रेशियो वो 3:1 होगी। तो फोर्थ केस में भी हमारी जो है करंट रेशियो वो इंप्रूव ही हुई है। आई होप कि पहले चार केस में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब करते हैं केस नंबर 5th, जो कि है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट। अब परचेज किया गया है 50,000 रुपीज का, अब परचेज किया गया है तो करंट एसेट भी इंक्रीज हो जाएंगे और करंट लाइबिलिटी भी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि उधार पे परचेज किया गया है। तो यहाँ पे जब करंट एसेट इंक्रीज होंगे तो 2,50,000 के हो जाएंगे और करंट लाइबिलिटी जब इंक्रीज होगी कि वो हो जाएगी 1,50,000 की, क्योंकि यहाँ पे 50,000 का अमाउंट लेके हम चल रहे हैं। तो ये डिवाइड करके 1.67:1 आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारी जो करंट रेशियो है वो डिक्लाइन हो गई। अब यहाँ पे करंट रेशियो हमारी क्या हुई है, डिक्लाइन हुई है। अब करेंगे नेक्स्ट केस, जो कि हमारा केस नंबर होगा 6th, जो कि है बिल रिसीवेबल एंडोर्स टू अ क्रेडिटर डिसओनर। जो बिल रिसीवेबल है ना वो एंडोर्स किया गया था क्रेडिटर को, वो डिसओनर हो गया। तो यहाँ पे क्या इंपैक्ट होगा, 50,000 रुपीज का इंपैक्ट लेके चलेंगे। यहाँ पे हमारे 50,000 से एसेट इंक्रीज हो जाएंगे और यहाँ पे लाइबिलिटी भी हमारी 50,000 से इंक्रीज हो जाएगी। डिवाइड करके आपके पास 1.67:1 आएगा। इसका मतलब है कि करंट रेशियो हमारी क्या हुई है, डिक्लाइन हुई है। ये हमारा कौन सा केस है, ये हमारा 6th केस है। इसके बाद है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर कैश। अब नेक्स्ट है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर कैश से 50,000 रुपीज, मतलब यहाँ पे परचेज करा है स्टॉक कैश में 50,000 रुपीज। तो देखिए यहाँ पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, यहाँ पे आप मेंशन करेंगे कि करंट रेशियो हमारी सेम ही रहेगी 2:1, नो इफेक्ट आप मेंशन करेंगे। क्यों, देखिए परचेज करा है तो यहाँ पे हमारे पास एसेट तो करंट एसेट तो इंक्रीज हो जाएंगे, बट कैश में परचेज करा है तो माइनस भी तो आपको करना होगा 50,000 से। तो यहाँ पे आपका जो अमाउंट आएगा, वो जो रेशियो आएगी वो 2:1 ही आएगी। तो किस तरीके से यहाँ पे
जो आपको चीज समझनी है वो ये समझनी है कि परचेज करा है, अपन यहाँ पे मेंशन है कैश में परचेज करा है, तो बिल्कुल सही बात है कि 2,50,000 हो जाएगा क्योंकि कैश में परचेज करा है, तो यहाँ पे हमारे पास एसेट इंक्रीज हो जाएंगे। बट कैश में परचेज करा है तो -50,000 आपको फिर से करना होगा, उसके बाद जब आप माइनस करेंगे 50,000 तो ये 2 लाख का ही करंट एसेट होगा, तो यहाँ पे 2:1 आएगा। तो 2:1 यहाँ पे है, हमारा को क्वेश्चन में भी 2:1 गिवन था, तो इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा, यहाँ पे नो इफेक्ट आप मेंशन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, बुक वैल्यू 50,000 है फॉर 45,000, तो सेल करिए, बुक वैल्यू 50,000 थी, 45,000 की सेल करिए, तो करंट एसेट हमारे इंक्रीज होंगे, खाली इस केस में हमारे करंट एसेट इंक्रीज होंगे जो कि 2,45,000 हो जाएंगे, और करंट लाइबिलिटी हमारी 1 लाख ही रहेगी। डिवाइड करने पर आपके पास 2.45:1 होगा, तो इसमें इंप्रूव हुई है हमारे करंट रेशो। और लास्ट में जो है हमारे पास सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट, 50,000 रुपीज की बुक वैल्यू है, 60,000 में क्या हुई है, सेल हुई है, तो यहाँ पे भी हमारी करंट एसेट इंक्रीज हो जाएंगे जो कि 2,60,000 होगा, करंट लाइबिलिटी हमारी 1 लाख ही रहेगी, तो यहाँ पे जो करंट रेशियो होगी वो 2.6:1 होगी, तो यहाँ पे हमारी करंट रेशियो क्या हुई है, इम्प्रूव हुई है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कम्प्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।